जंगल में एक तूफानी रात थी, बहुत तेज बारिश हो रही थी। वहीं जंगल में मोहन नाम का लड़का बहुत दुखी होकर चलते हुए आ रहा था। अब तो मामा ने भी घर से निकाल दिया है मुझे, अब मैं इतनी रात में कहाँ जाऊँगा। अगर मेरे माता पिता जिंदा होते तो आज मैं भी अच्छी जिंदगी गुजार रहा होता। वहीं आसमान में बहुत तेज बिजली चमक रही थी। ऐसे एक बहुत ही खतरनाक बिजली जंगल में मोहन के सामने गिरती है। उसके धमाके से मोहन दूर जाके गिरता है और बेहोश हो जाता है। जहाँ पर वो बिजली गिरी थी उस जगह की जमीन के अंदर से एक चमकती हुई चीज निकलती है और उड़कर वहीं मोहन के अंदर चली जाती है। ऐसे मोहन को कुछ देर बाद होश आ जाता है। जब वो उठकर अपने आसपास देखता है तो तूफान थम चुका था। मेरे ऊपर इतनी खतरनाक बिजली गिरने के बाद भी मैं जिंदा कैसे? ऐसा कैसे हो सकता है? इतनी खतरनाक बिजली किसी पर गिरे और वो जिंदा बच जाए, मुझे तो कुछ गड़बड़ लग रही है। वो ऐसे बोल ही रहा था कि उसके सामने एक पोर्टल खुलता है और उस पोर्टल के अंदर से भागते हुए सफेद रंग का एक बैल निकलता है और वो बैल मोहन के पास चला जाता है। जल्दी से अपनी शक्ति का इस्तेमाल करके कहीं और टेलीपोर्ट करो, वो शैतान यहाँ आता ही होगा, जल्दी करो। कैसी शक्ति? मेरे पास तो कोई शक्ति नहीं है और तुम तो एक बैल हो, तुम बोल कैसे रहे हो और कौन शैतान यहाँ आ रहा है? ये सब मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा, अभी जो मैं कह रहा हूँ तुम वो करो, मेरे ऊपर हाथ रख के किसी जगह का सोचो। मोहन उस सफेद बैल पर हाथ रखता है और कुछ सोचता है और वो बैल और मोहन दोनों वहां से गायब होकर एक घर में प्रकट होते हैं। मोहन ये सब देखकर बहुत आश्चर्य हो जाता है। अरे ये सब कैसे हुआ? मैंने जिस जगह का सोचा था हम वहीं पहुंच गए, और मुझ में ये शक्ति कहां से और कैसे आई? धरती से बहुत दूर हमारी अपनी एक जादुई दुनिया है, वहां पर बहुत सारे जादुई जीव रहते हैं। लेकिन एक दिन एक दूसरी दुनिया से शैतान हमारी जादुई दुनिया में आ गया और हमारी जादुई दुनिया के सारे जादुई जीव को कैद कर दिया और मेरी सारी शक्ति छीन ली। लेकिन मैं किसी तरह से अपनी जान बचाकर धरती पर आ गया हूँ। लेकिन मैं तो एक साधारण इंसान था, मुझ में ये शक्ति कैसे आई? जब मैं उस शैतान से जान बचाकर भाग रहा था तो मैंने वहीं एक और जादुई जीव भी कैद से आजाद कर दिया था और वो मेरे साथ भागकर धरती पर आ गया। जब वो बिजली यहाँ पर गिरी तो वो जीव तुम्हारे अंदर चला गया और उसने अपनी शक्तियाँ तुम्हें दे दी। वो बैल मोहन को सब कुछ बता रहा था कि वहीं ऊपर से एक और बड़ा पोर्टल खुलता है और उसके अंदर से उड़ता हुआ वो शैतान निकलता है। बहुत ढूंढा तुम्हें, आखिरकार तुम मुझे मिल ही गए, अब तुम्हें मुझसे कोई नहीं बचा सकता। वो शैतान उड़ते हुए वहीं उन दोनों के पास आ जाता है और उन दोनों पर अपनी शक्ति से हमला कर देता है। मोहन टेलीपोर्ट होकर उस शैतान के हमले से बच जाता है, लेकिन वो बैल घायल हो जाता है। वहीं मोहन प्रकट होकर उस शैतान के पीछे पहुंच जाता है और अपनी शक्ति से एक बहुत ही खतरनाक तलवार बनाकर शैतान पर पूरी शक्ति से वार करता है और वो शैतान वहीं नष्ट हो जाता है। मोहन उस घायल बैल के पास जाता है। उस घायल बैल को देखकर मोहन बहुत दुखी हो जाता है। वहीं मोहन जैसे ही बैल पर हाथ रखता है वो बैल सफेद रंग से एकदम सोने के बैल में बदल जाता है और वो ठीक हो जाता है। जो शक्ति उस जीव ने मुझे दी थी अब मैंने वो तुम्हें दे दी है और अब तो वो शैतान भी नष्ट हो गया है। तुम अपनी दुनिया में जाओ और उन सब जादुई जीवों को कैद से आजाद करो। वो बैल मोहन का धन्यवाद करता है और बहुत सारा सोना मोहन को देता है और वहां से गायब हो जाता है। मोहन उस सोने को देखकर बहुत खुश हो जाता है। मैजिकल जॉइंट फायर सुपर बाइक। बहुत दूर कुछ लुटेरे खजाने की तलाश में एक बहुत ही खतरनाक टापू पर पहुंच गए थे। उस टापू पर बहुत विशाल कंकाल पड़े थे। हम उस नक्शे की मदद से इस टापू तक पहुंच तो गए, लेकिन जिस खजाने का उस नक्शे में लिखा हुआ था वो तो मुझे इस टापू पर कहीं नहीं दिखाई दे रहा। दिखाई दे रहे हैं तो ये विशाल कंकाल, अब हम इनका क्या करेंगे? वैसे वहीं एक लुटेरे को एक बहुत ही बड़ी खोपड़ी की मूर्ति नजर आती है
और उसकी आंख में कुछ चमकता हुआ दिखाई देता है। वहीं वो लुटेरे उस मूर्ति की तरफ जाने लगते हैं। जब वो उस मूर्ति के पास पहुंचते हैं तो उस मूर्ति की आंख में लगा वो पत्थर और भी तेज चमकने लगता है और वहां से उड़कर उन लुटेरों के सामने गिरता है। ये देखकर वो लुटेरे बहुत आश्चर्य होते हैं। ये तो कोई मुझे जादुई पत्थर लग रहा है, हम इसे बेच दें तो बहुत पैसे मिलेंगे और हम बहुत अमीर हो जाएंगे। वो लुटेरे उस पत्थर को लेकर अपनी नाव से जा रहे थे कि वहीं वो पत्थर बहुत तेज चमकने लगता है और उस पत्थर की शक्ति जागृत हो जाती है और वो पत्थर अपनी शक्ति से उन लुटेरों की नाव को आग लगा देता है। तो वो नाव टूटने से वो सब लुटेरे और उनकी वो नाव समंदर में डूब जाते हैं और वो जादुई पत्थर भी समंदर में कहीं खो जाता है। ऐसे बहुत समय गुजर जाता है और वो जादुई पत्थर पानी में बहते बहते सुंदरपुर गांव के पास पहुंच जाता है। वहीं पास में पिंटू नाम का एक अनाथ लड़का पानी में बहकर आई खाली प्लास्टिक की बोतलों को इकट्ठा कर रहा था, तो वहीं उसकी नजर उस जादुई पत्थर पर पड़ जाती है। पिंटू उसके पास जाता है और उस पत्थर को उठा लेता है। ये पत्थर तो बहुत सुंदर है, मैंने आज से पहले ऐसा पत्थर कभी नहीं देखा। ये पत्थर जरूर अंतरिक्ष से आया होगा। मैं ये पत्थर प्रोफेसर मिश्रा को दिखाता हूँ, उन्हें इसका पता होगा कि ये पत्थर कहाँ से आया है। वो प्रोफेसर मिश्रा एक बहुत ही खतरनाक और शातिर साइंटिस्ट था। उसने अपनी लैब में एक बहुत बड़ी लाइब्रेरी बनाई हुई थी और बहुत सारी अजीब अजीब मशीन्स भी बनाई हुई थी। पिंटू वो पत्थर प्रोफेसर मिश्रा के पास ले जाता है और उसे दिखाकर सारी बात बताता है कि ये पत्थर उसे कैसे मिला और कहां से। वहीं उस पत्थर को देखकर प्रोफेसर मिश्रा को बहुत लालच आ गया और कुछ सोचने लगा। ये पत्थर तो मुझे बहुत कीमती लग रहा है, ये पत्थर इस लड़के के पास नहीं मेरे पास होना चाहिए। मुझे अब इस लड़के से किसी भी तरह से ये पत्थर छीनना पड़ेगा। अरे ये तो कोई कीमती पत्थर नहीं है, ये तो ऐसे ही कोई साधारण पत्थर है, समंदर में ज्यादा देर रहने की वजह से ये ऐसे ही हो गया है। ये बस एक साधारण पत्थर है, ये तुम मुझे दे दो, मैं इसके बदले तुम्हें कुछ पैसे दे दूंगा। प्रोफेसर मिश्रा की ये बात सुनकर पिंटू को उस पर शक हुआ और पिंटू कुछ सोचने लगा। मुझे तो लग रहा है ये झूठ बोल रहे हैं, ये पत्थर जरूर बहुत कीमती होगा इसलिए ये ऐसा बोल रहे हैं। मुझे जल्द से जल्द यहाँ से जाना होगा वरना ये मुझसे मेरा ये पत्थर छीन लेगा। नहीं, मुझे ये पत्थर नहीं बेचना। ये बोलकर तुरंत पिंटू वहाँ से भाग जाता है। पिंटू उस पत्थर को लेकर भागते भागते अपनी झोंपड़ी के पास पहुंच जाता है। वहीं प्रोफेसर मिश्रा भी अपनी एक बहुत ही खतरनाक डिवाइस लेकर पिंटू का पीछा करते करते वहीं पहुंच जाता है। अब कहां जाओगे बच के, ये पत्थर तो मैं तुमसे छीन के ही रहूंगा। चुपचाप ये पत्थर मुझे दे दो वरना इस डिवाइस से मैं तुम्हें जला कर राख कर दूंगा। पिंटू खतरे में था, इससे उस पत्थर की शक्ति जागृत हो जाती है और वहीं वो पत्थर अपनी शक्ति इस्तेमाल करके पास में पड़े पिंटू के एक छोटे सुपर बाइक के खिलौने को एक बहुत बड़े जॉइंट फायर सुपर बाइक में बदल देता है और उस फायर सुपर बाइक से प्रोफेसर मिश्रा पर हमला करके उसे जलाकर नष्ट कर देता है। बाद में दोबारा से वो जॉइंट फायर सुपर बाइक एक खिलौने में बदल जाती है।